हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा बेकरी जो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो ख़राब क्यों होता है, और जो ख़राब होता है तो उनको ठीक भी किया जाता है, तो उनको किस तरह ठीक किया जाता है, यही मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलो वीडियो में शुरू करता हूँ। जो क्वालिटी है एक तो ख़राब होता है मौसम का वजह से, जब हमारा मौसम चेंज होता है तो अब ख़राब होता है। और एक जो होता है, कुछ ऐसा कंपनी है जो कुछ ऐसा फैक्ट्री का मालिक है, वो अपना खुद का प्रोडक्शन खुद ख़राब करता है, क्योंकि ये लोग जो मिस्त्री कारीगर रखता है फैक्ट्री में, कोई दूसरा कारीगर मिस्त्री इनको फ़ोन किया है, वो दो पैसा कम बताया, कुछ पैसा के लिए कुछ इस तरह बेकारी मालिक है जो हर महीने में कारीगर मिस्त्री को चेंज करता है। इसमें आपको क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होता है, क्योंकि मिस्त्री कारीगर आपका जितना ही बड़ा मिस्त्री ना क्यों ना हो, एक जगह से आके दूसरा जगह में उनको काम करने में, उनको सेटिंग होने में कम से कम एक महीना आपको लग जाएगा। तो एक महीने में आपका तो प्रोडक्शन ख़राब होगा ही होगा, क्वालिटी आपको ख़राब होगा। फिर यही क्वालिटी सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए फिर इनको छोड़ा के फिर दूसरा को लेके आता, फिर उनको हालत भी ऐसा होता है। तो इस तरह जब आप हर महीने में अपना स्टाफ अपना कारीगर को आप चेंज करोगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत सारे नुकसान होगा और बहुत सारे आपको दिक्कत होगा। तो एक तो हो गया ये जो हमारा क्वालिटी ख़राब होने का कारण, और दूसरा कारण जो होता है, हमारा साल में 3 बार ये चीज़ होता है। एक होता है गर्मी का टाइम, दूसरा होता है जो नया मैदा जो आता है मई जून महीने में, तो उसी टाइम में एक बार माल ख़राब होता है। और तीसरा जो है, अभी जो ठंडा का मौसम जो चल रहा, तो ये जो ठंडा का मौसम जो 3 महीने चलेगा अभी, तो ये जो ठंडा का मौसम में है, इसमें बहुत माल को दिक्कत होता है, चाहे कच्चा माल बोलो, चाहे आप केक बोलो, चाहे आप बिस्किट बोलो, हर चीज़ में ठंडा का दिन में बहुत सारे दिक्कत होता है। तो गर्मी में जो माल ख़राब होता है तो उनको कैसे ठीक करोगे, और जब आपको नया मैदा आएगा तो अब जो माल ख़राब होगा तो आप उनको किस तरह आप ठीक करोगे, तो ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी गर्मी आने में 3-4 महीने बाकी है। मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो अभी जो मैं बताऊंगा, जो हमारा ठंडा का दिन में माल ख़राब होता है तो आप उनको ठीक कैसे करें, मैं काफ़ी सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा, जो आप ठंड का दिन में किस तरह आप अपना माल को बनाओगे। आपको काम आता है, आप बेकरी बिजनेस करते हो, आपको बेकरी में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैंने जो वीडियो बना के रखा आप देख लोगे तो आपको मतलब ऑटोमेटिक काम आ जाएगा। और आपको नहीं पता है फिर भी आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, फिर भी आप सीख जाओगे। तो मैंने जो वीडियो बना के रखा है, आपको किस तरह माल करना है, किस तरह आपको बनाना है, फुल रेसिपी फुल मेकिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बना के रखा, लेकिन आप लोग देखता नहीं, फिर भी आप लोगों को जब दिक्कत होता है तो आप लोग फ़ोन में मुझे पूछते हो कि मैं क्या करूँगी। इस तरह मैं आज कम से कम 4 से 5 लोगों के साथ मैंने बात किया है, सभी यही प्रॉब्लम हो रहा, किसी को माल नहीं उठ रहा, किसी को नेट अच्छा नहीं हो रहा, किसी को क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं आज फिर आपको मैं बताऊँगा आप किस तरह क्वालिटी मेंटेन करोगे, और जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा वो भी आप एक बार देख लेना जाके, फिर मैं उनको लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके देख लेना। तो हमारा जो मेन जो होता है मिक्सचर, आप मिक्सचर में 75% मतलब खमीर को, अपना माल जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को जो क्वालिटी होता है, तो 75% आप मिक्सचर में ही ठीक कर पाओगे। जब आप मिक्सचर से उठा के टेबल में उठाओगे, टेबल से जब आप अपना खमीर को साँचा में डाल दोगे, तब तो आपका हाथ में और कुछ करने का नहीं होता है, चाहे ख़राब हो चाहे आपको अच्छा हो। और 25% जो है आपका वो है ओवन भाटी में, तो आपका भाटी वाला भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिसका भाटी में ज्ञान है कि कौन सा मौसम में जिस माल में चीनी कम होता है, जिस माल में चीनी ज़्यादा होता है, बन ब्रेड खाड़ी इनको कितना टेम्परेचर में
मतलब पकाता है वो कितना टाइम में इनको निकालता है, ये सब जानकारी भाटीवाला का होना चाहिए। और मिक्सचर, मिक्सचर में ठंडा का मौसम में क्या होता है जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारा माल उठता नहीं है। मतलब हमारा माल जैसा है कम से कम 2.5 से लेके 3 घंटा का अंदर उनको भाटी में जाना चाहिए। आप मान लो 4 घंटा 5 घंटा जब आपको माल बाहर में रह जाएगा तब वो ठंड पकड़ लेगा माल, तब वो माल आपको पूरा रात पूरा दिन रख दो फिर भी वो नहीं उठेगा। एक बार ठंड माल में पकड़ लेगा तो आपको माल कभी भी नहीं उठेगा। तो इस तरह हमको देखना पड़ेगा जो माल जो है हमारा जो कच्चा माल जो हम बनाया है, तो इनको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो 3 घंटा से ज़्यादा वो टाइम ले लिया है। तो इनको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी भगाने के लिए ज़्यादा ईस्ट डालोगे फिर भी आपको दिक्कत है, लेकिन ईस्ट भी आपको ज़्यादा डालने नहीं होगा। मैं जो जिस तरीका में आपको मैंने काम को दिखाया है आप ऑलरेडी करते हो तो ठीक है, आप नहीं करते हो फिर भी आप करके एक बार ट्राई कर सकते हो। और जो है हमारा जो पानी, ठंडा का दिन में पानी बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, आप सुबह पानी में हाथ धोगे तो हाथ भी नहीं दे पाओगे, तो उसमें हमारा क्या करना पड़ेगा, हमको गर्म पानी यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो ठंडा पानी और गर्म पानी को मिला के ऐसा करना पड़ेगा जिस पानी मतलब आप हाथ दे के मतलब 5 मिनट 10 मिनट आप हाथ रख सकते हो, जब हाथ अपना हाथ में कुछ दिक्कत नहीं होगा इस तरह आप पानी मिक्सचर में डालो, तो उसमें क्या होगा आपका खमीर कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप ज़्यादा डाल दोगे तो वो क्या होगा आपका खमीर को जो एक मतलब जान होता है ना वो भी आपको ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा जो है आपका खमीर मिक्सचर से टेबल में उठाने के बाद आपका जितना भी किलो का खमीर क्यों ना हो, 50 किलो 70 किलो 100 किलो 150 किलो आप जितना भी मिक्सचर करोगे कम से कम वो 15 मिनट से लेके 20 मिनट का अंदर वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब 20 मिनट का अंदर वो सांचा में डालना चाहिए, क्योंकि आप टेबल में ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो एक बार खमीर पेचाई होने के पहले आपको फूल जाएगा तो वो खमीर का माल आपका कभी भी ठीक नहीं होगा। और आपका जो बिस्किट जो केक होता है तो बिस्किट का आप ये बोलोगे जो बिस्किट तो हमारा ईस्ट का काम नहीं है, फिर भी आपका बिस्किट का काम जो मतलब ईस्ट का नहीं है लेकिन बिस्किट में आपका दालदा बहुत रहता है। और बिस्कुट में भी आपका गर्म पानी देना पड़ता है क्योंकि दालदा भी ठंड में जम जाता है, और ज़्यादा जम जाएगा मतलब ज़्यादा ठंड का वजह से आप गर्म पानी नहीं दोगे तो वो क्या होगा थोड़ा वो पकड़ के रख देगा बिस्किट, आपको भाटी में जाके वो झाड़ेगा ना कैसा मतलब जैसा वो एक मतलब जैसा रोबोट का जैसा हो जाता है, उनको ना नेट अच्छा होता है ना उनको खाने में अच्छा होता है ना उनको कलर अच्छा आता है। तो हमको चाहे केक बोलो चाहे बिस्किट बोलो रक्स बोलो ब्रेड बोलो बॉन बोलो कोई भी चीज़ बोलो, लेकिन ठंडा का मौसम में हमको गर्म पानी उसमें डालना ही पड़ेगा। और जो है नमक, नमक को आपको भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा कच्चा माल में जो आप ईस्ट का काम कर रहा है, तो क्योंकि आप गर्मी का दिन में जितना नमक दिया है वही नमक आप ठंडा का दिन में भी दोगे तो हमारा माल जो है वो उठने में काफ़ी लेट होगा। इसलिए गर्मी का दिन में आप जितना भी नमक दिया है उससे थोड़ा बहुत कम आप ठंडा के मौसम में कर सकते हो, उसमें आपको कुछ मतलब ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह हमारा जो गर्मी का दिन में जो रेसिपी होता है जो रॉ मटेरियल होता है सबको आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। गर्मी का दिन में आज ब्रेड एम्पुरबार जितना डाला है लेकिन ठंडा का मौसम में आपको थोड़ा बहुत ब्रेड एम्पुरबार एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन हमेशा आप एक ही मटेरियल आप डालोगे आप एक ही रेसिपी पे आप काम करोगे तो मौसम का साथ साथ जो होता है आपको चेंज करना पड़ेगा, ना तो आपको माल ख़राब होगा कभी भी आपको अच्छा नहीं होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिक्सचर में, क्योंकि मिक्सचर है मेन जो हमारा आपको मैं बार बार ही बोल रहा है जो 75% जो काम है हमारा वो मिक्सचर में मतलब हो जाता है। मिक्सचर में नहीं ध्यान दोगे आप जितना दालदा जितना भी ऑयल जितना शुगर मिल्क पाउडर कस्टर्ड पाउडर और सब कुछ डाल दिया लेकिन आपका मिक्सचर ही ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, आपको माल तो ख़राब होगा ही होगा। तो मिक्सचर से आपको ध्यान देना चाहिए और खमीर को भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको एक दिन ख़राब हुआ है
लेकिन दूसरा दिन आपको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा दिन भी ऐसा हो रहा, तीसरा दिन भी आपको और कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक दिन दो दिन हुआ है चलो ठीक है, लेकिन तीसरा दिन आपको ठीक होना ही चाहिए ना। तो इस तरह आपको क्वालिटी रेगुलर ही आपको ख़राब होगा तो आपको मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आपको सेल में डाउन हो जाएगा, और आपका सेल में डाउन होगा तो आपको फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको क्वालिटी में ध्यान देना पड़ेगा, और क्वालिटी जो है हमारा किस तरह बेहतर किया जाएगा, किस तरह अच्छा किया जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप कारीगर जैसा भी रखो चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपको काम जाने फिर भी आपको चल जाएगा, लेकिन भाटी मैन जो है, भाटी वाला और मिक्सर वाला आपको अच्छा रखना चाहिए। और वो दो जो बंदा है, वो दो बंदा को कभी भी आपको हटाना नहीं चाहिए। आपका जितना पुराना बंदा होगा वो आपको उतना ज़्यादा अच्छा काम करके देगा। इसलिए मिक्सिंग वालों को आप 1,000 रुपया 2,000 रुपया, भाटी वाला को आप 1,000 2,000 रुपया तांका एक्स्ट्रा दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको काम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह आपको मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा, जो हर महीने में आप लोग स्टाफ चेंज मत करो, क्योंकि स्टाफ चेंज करने के आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको मतलब नुकसान ही होता है। तो इस तरह जो हमारा क्वालिटी ख़राब होने के बाद जो मैंने आपको मैंने तरीका बता दिया है, नमक से लेके ईस्ट, गर्म पानी, मिक्सचर, भाटी, ये सब आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसा नहीं है जो कारीगर मिस्त्री का ऊपर आप छोड़ दिया, आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको मार्केटिंग में भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आपको फैक्ट्री में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ ख़त्म। आपको थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगे, आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह बेकारी रिलेटिव आप वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।